दोस्तों अभी आपने स्क्रीन पर वीडियो देखी, इस तरह का नेम आर्ट वीडियो बनाते सीखेंगे तो इसके लिए आपको अलाइट मोशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं अलाइट मोशन ऐप। दोस्तों अलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ प्लस दिखेगा या ग्रीन कलर का, ये प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस फिर दिखेगा, यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ इमेज एंड वीडियो दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद एक वीडियो, ये वाला वीडियो ले लेना, ठीक है दोस्तों। ये वाला तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद इसको यहाँ पर इसको जीरो माइनस 90 कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से माइनस 90 डिग्री इस तरह से कर देना। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर तीर का ऑप्शन तीसरे नंबर में, इस पर क्लिक करना है और इसको इस तरह से खींच देना, इस तरह से खींच देना जहाँ तक ये अच्छा सा सेट नहीं हो जाए उतना खींच देना। इस तरह से खींच दिया, उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना। खाली जगह में टच करने के बाद इधर जाना है, जितना बड़ा भी स्टेटस बनाना चाहते हो उतना लेना। मैं 10 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर 10 पर आ गए, देख लीजिएगा 10 सेकंड का हो गया। उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कट हो जाएगा पीछे का पार्ट। उसके बाद इधर खाली जगह पर टच कर देना, इस तरह से हो गए। उसके बाद इस वीडियो पर फिर से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट मिल जाएगा, इफेक्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अड इफेक्ट मिल जाएगा, अड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलर एंड लाइट, यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर इधर नीचे जाना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको ये HUE शिफ्ट ये वाली इफेक्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से थोड़ा सा खींच लेना है, इस तरह से थोड़ा सा खींच लेना है, देख लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। प्लस पर क्लिक कर देना, उसके बाद इस वीडियो को इस तरह से लास्ट टाइम खींच देना। उसके बाद इसको खींच देना यहाँ पर 5 तक कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से खींच लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कलर चेंज होना चालू हो जाएगा, देख लीजिएगा स्क्रीन पर इस तरह से कलर चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस संबंधित वीडियो लाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरह से वीडियो लगी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा, मैं 4 हो गए, 5 इस तरह से 5 कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इधर खाली जगह में टच कर देना, इस तरह से कलर चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिए मैं मेरा ही नाम लिख लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो इस तरह से मैंने लिख लिया, ठीक है दोस्तों, रितेश। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको कलर ब्लैक कर देना, ब्लैक या वाइट कोई सा भी कर सकते हो, ब्लैक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू फॉन्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाली फॉन्ट ले लेना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको राइट कर देना है, इस तरह से राइट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाली मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, तो इसको इस तरह से खींच लेना, ठीक है दोस्तों। इस तरह खींच लिया, उसके बाद इधर आने लग गया, इसको इस तरह से वापस खिसका लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इधर वापस खींच लेंगे, इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सेट कर लेना, ठीक है। इस तरह से सेट हो गया। उसके बाद इधर खाली जगह पर टच कर देना है और इधर लास्ट टाइम आ जाना है और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों।
तो ये वीडियो के बराबर नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर खाली जगह पर टच कर देना है, इस तरह से हो गया। उसके बाद इधर इस पर वापस क्लिक करना है, इस तरह नाम से पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। इफेक्ट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप वार पर, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट इनेबल यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, ड्राइविंग प्रोग्रेस, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस तरह से स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से प्लस पर क्लिक कर दिया और इसको इस तरह से खींचना है, ज़ीरो कर देना है। यहाँ पर 100 है तो ज़ीरो कर देना है, इस तरह से ज़ीरो कर दिया, ठीक है दोस्तों। ज़ीरो कर दिया, उसके बाद इसको इधर आ जाना है, इस तरह से लास्ट आ जाना है और यहाँ इसको वापस 100 कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सॉरी यहाँ पर प्लस मार देना और यहाँ पर इसको 100 कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से वापस शो कर देना है, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से वीडियो बन के तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ पर सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ऑडियो मिल जाएगा, ऑडियो पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्लिक कर दे, उसके बाद व्यू वॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से कोई भी सॉन्ग आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग हो या कोई सा भी सॉन्ग रखना चाहते हो वो सॉन्ग सिलेक्ट कर लिए। मैं सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, इस प्लस पर इस तरह से क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सॉन्ग ऐड हो जाएगा, उसके बाद इधर खाली जगह टच कर देना है तो सॉन्ग बड़ा हो रहा था, इस तरह से आ गए। उसके बाद सॉन्ग पर क्लिक कर देना है, इस तरह से क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ये सॉन्ग कट हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से सॉन्ग कट हो गया। उसके बाद देख लीजिएगा इस तरह से किस तरह से घूम रहा है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर तीर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, एक्सपोर्ट होना चालू हो गया, इस तरह से हो रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी मिलता है। जय हिंद, जय भारत।